तुम्हाला दाखवायचं बॅग बॅग काय देख रहे पिछले जन्म की याद आ गई मैं यहाँ पे आया था। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई एम निशी एंड यू आर वॉचिंग ट्रैवलर निश। सो गाइज मैंने लास्ट व्लॉग किया था अपलोड माथेरन का और उस व्लॉग को आपने बहुत प्यार दिया, उसके लिए दिल से शुक्रिया। सो आज डेट है 3rd July 2021 और मैं एक अलग डेस्टिनेशन पर जा रहा हूँ, करनाल बर्ड सेंचुरी। करनाल बर्ड सेंचुरी मेरे घर से 50-55 किलोमीटर है। सो वहाँ पे एक चेक पोस्ट है, फॉरेस्ट का चेक पोस्ट, तो मुझे देखना है वहाँ पे वो चेक पोस्ट से अंदर एंट्री देते हैं क्या। लाइक जब मैं लास्ट टाइम गया था, बहुत साल पहले गया था, तभी मेरा आधार कार्ड वगैरह नोट किया था, बट अभी देखना है मुझे कि वहाँ पे एंट्री देते हैं क्या अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से। मेरे एक्सट्रीम को आज आराम है, आज मैं एक्सट्रीम नहीं लेके जा रहा हूँ। तो आज हम स्प्लेंडर लेके जाएंगे, वहाँ 55 किलोमीटर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मिले इन भाई साहब से, ये मेरे साथ राइड करेगा, मेरा पिलियन रहेगा, आपने इसको मेरे गोवा के ब्लॉग में देखा रहेगा अभी। तो दिस इज NH4 ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे। यार लोग बड़े वियर्ड तरीके से देख रहे हैं स्प्लेंडर पे एक्शन कैमरा, पेट्रोल का रेट इतने बढ़ गए, लद्दाख पे ये लेके जानी पड़ेगी कुछ दिन बाद। लास्ट वीक मैं माथेरान गया था सैटरडे संडे, बहुत मज़ा आया वहाँ पे, और वो वीडियो मैंने मेरे चैनल पे पोस्ट किए और वो वीडियो को बहुत अपने प्यार दिया, उसके लिए सच में फिर से एक बार दिल से बड़ा शुक्रिया। और आपने अगर अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है और आपको अगर माथेरान के रिलेटेड अप टू डेट जानकारी चाहिए तो वीडियो वो देख लीजिए, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो का लिंक है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी वो वीडियो अगर आप माथेरान विजिट करने आ रहे हैं। और अगर समझो आपको माथेरान विजिट करने नहीं आया तो जो मैं डेस्टिनेशन पे जा रहा हूँ वो डेस्टिनेशन पे जाके भी आप इन्जॉय कर सकते हो, और मुंबई से काफ़ी नज़दीक है वो डेस्टिनेशन। तो आप वन डे पिकनिक अगर चाहते हो तो आप कर्नाला बर्ड सेंचुरी आ सकते हो। गोवा का लेफ्ट लेना है, पनवेल गोवा JNPT, अपने को गोवा वाला लेफ्ट लेना है। ओके, सो दिस इज पनवेल एंड नाउ यू हैव टू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम हियर, फॉर पनवेल यू हैव टू टेक अ राइट। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, पर वो मुझे वहाँ पे वो माउंटेन दिख रहा है, एक्चुअली वहीं पे मुझे जाना है, कर्नाला बर्ड सेंचुरी वहीं पे, और जो कर्नाला फोर्ट है वो मुझे यहाँ से दिख रहा है। तो अभी लेना है ये लेफ्ट। अबे क्या कुछ भी बोलता है, आगे भेज दिया ये हीरो ने हमको, आगे भेज दिया, पीछे आना पड़ा इसके लिए। अरे बाप रे, आज लोग हैं अच्छे खासे, पार्किंग करना पड़ेगा। ये है कर्नाला बर्ड सेंचुरी और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं यहाँ पे, और है टूरिस्ट है, इतने नहीं है बट थोड़े बहुत है, तो अभी देखते हैं क्या रेट है वगैरह। सैनिटाइज कर लेते हैं। कितनी सकाळी 7 ते सायंकाळी 4 तुम्हाला दाखवायचं बॅग बॅग नाही खायचं, नाही पाणी पाणी आहे फक्त, नाही। सो वहां पे एंट्रेंस और अभी हम लोग अंदर आ गए, और 25 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है और 30 रुपीज़ पर पर्सन है, और अगर आप कैमरा लाते हो तो फिर एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट है वहाँ पे। तो हम लोग ने कैमरा का तो दिया नहीं, अगर आपका मोबाइल से शूट करते हो तो फिर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अगर कैमरा से शूट करते हो तो फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा एरिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है, तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट है, विदाउट मास्क आपको एंट्री नहीं देंगे, वो तो बट ऑब्वियस है। और खाने पीने की आप चीज़ें नहीं अंदर लेके आ सकते, जैसे कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले, पीने पानी के बॉटल ठीक है, लेकिन जैसे कि कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स वगैरह आप अंदर नहीं लेके आ सकते। यहाँ पे स्नैक्स कॉर्नर भी है अंदर, तो आप अंदर खा सकते हो, और ये ग्रीनरी देख लो। बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है क्योंकि दोपहर का टाइम है, कुछ 12 बजे,
और बारिश चाहिए थी लेकिन बारिश है नहीं, धूप है अच्छी खासी कड़क वाली एकदम। तो जैसे कि मैंने बोला था ये एक बर्ड सेंचुरी है, तो नीचे कुछ केज है जिसमें बर्ड्स है जैसे कि पिकॉक वगैरह। ये खाली है, मैं यहाँ पे देखने आया, कुछ है क्या? मेरे पीछे लिखा है वे टू कर्नाल फोर्ट, और अभी हमें कर्नाल फोर्ट ही विज़िट करना है। तो अभी ये रास्ते से जाएंगे हम लोग ऊपर की तरफ, और अगर आपको स्नैक्स वगैरह कुछ खाने पीने की चीज़ वगैरह चाहिए तो यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, और जो केज है वो वहाँ पे है। तो वहाँ पे अच्छे अच्छे पंछी रखे आपने अभी थोड़ी देर पहले जो देखा, और अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा फील हो रहा है क्योंकि हम लोग थोड़ा ऊपर की तरफ आए हैं ना, हाई एल्टीट्यूड पे। क्या डेवलपमेंट हुई है यार यहाँ पे, बहुत अच्छी खासी। हम लोग आए थे कुछ भी नहीं था, ऊपर चढ़ते चढ़ते तो अपनी पूरी हालत ख़राब हो गई थी, सांस फूल गई थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया। रास्ता बना दिया है ऊपर तक, अब यहाँ से मतलब जो रोड है वो ख़त्म होता है और अभी स्टेप्स शुरू हो गए यहाँ से वहाँ पे वॉशरूम है, अगर आपको वॉशरूम वगैरह जाना है तो। तुझे जाना था ना? सब यहाँ पे स्टेप्स और जंगल से होते हुए जाएंगे अभी हम लोग। कर्नाल फोर्ट के इतिहास के बारे में अगर मैं कुछ कहूँ तो इस किले को 12वीं सदी से पहले का माना जाता है। माथेरान जाते हो, महाबलेश्वर जाते हो, पर ये चीज भी घूमने के लायक है। वन डे पिकनिक के लिए तो ये जगह सबसे बेस्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुंबई के बहुत नजदीक है, मतलब पनवेल से हार्डली 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये प्लेस है। आप यकीन नहीं करोगे, इतना ग्रीनरी, मतलब आप धीरे से सुनो बर्ड्स की इतनी सारी आवाज़ें आएगी, आपको सुकून मिलता है दिल को, और वो भी मुंबई के इतने नज़दीक। और पूरे जंगल में अकेला घूम रहे हैं। चलो छोड़ देते हैं इसको अपने हाल पे, अभी उतना ऊपर तक चढ़ना है। वो देखो कुछ लोग आ रहे हैं वहाँ तक, उससे भी ऊपर एक्चुअली, ये तो ट्रैकिंग से भी ऊपर के लेवल का है। ये देखो यहाँ से चढ़ के फिर वहाँ से, मतलब पूरा एकदम स्ट्रेट है, ये बड़े बड़े पत्थर। आधा डिस्टेंस भी कवर नहीं हुआ अभी तक, और बैंड बजी पड़ी है। पानी के 2 बॉटल लाए थे, एक तो पूरी ख़त्म हो गई, एक बची है अभी, वो 1 बॉटल में हमको और ऊपर की तरफ जाना है। मैं ख़त्म, ये भी ख़त्म, और अभी और ऊपर की तरफ चढ़ना है यार। स्टैमिना बहुत कम हो गया, क्या बोलता है? बाइक 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 सब जगह बाइक हो रही है ना अपनी। क्या है ना, हम लोग काफ़ी अंदर के साइड है तो पेड़ यहाँ पे काफ़ी है, तो हवा ना यहाँ पे बहुत कम आती है अंदर, और धूप है सबसे इम्पोर्टेंट। बारिश नहीं, बारिश रहती तो इतना थकान, इतनी गर्मी नहीं होती थी, लेकिन बहुत कड़क धूप है तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। और ये तो सो ही गया सच में। ट्रैकिंग का अभी फील जो है ना वो बहुत हाई लेवल पर आ रहा है हमको अभी। और यहाँ पर थोड़ी गैप है जिसकी वजह से हवा आ रही है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे रुके, 5-10 मिनट रुकते हैं, देन अभी और ये ऊपर की तरफ चढ़ के जाना है, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने 1670 में से पुर्तगालियों से छीन लिया, और उनके मृत्यु के बाद 1680 में यह किला मुगल शासक औरंगजेब के अधिकार में चला गया। फिर 1740 में पुणे के पेशवाओं ने फिर से इसे जीत लिया। पूरी बैंड बजी पड़ी है, और 2.5 घंटे चढ़ने के बाद आपको ये नज़ारा दिखता है, कमाल का नज़ारा है। वो भी गया, और अभी सामने है, मतलब काफ़ी अंडरएस्टिमेट किया मैंने। और पानी की बोतल एक्चुअली मैंने बहुत कम लाई, 2 ही लाए थे, और अब दोनों ख़त्म हो गई हैं। यहाँ से और वहाँ ऊपर तक चढ़ना है, स्टेप्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से फिर ये डोर है, फिर यहाँ से यहाँ पे जाना है अपने को। यह है भवानी माता का मंदिर, और यह है ग्रेट क्रांतिकारी वासुदेव बलवंत फड़के, उनके दादाजी जो थे वो इस किले के आखिरी किलेदार थे। यहीं पास में शिरढ़ोन करके गांव है,
वासुदेव बळवंत फडके जी, इन्होंने वहीं पे अपना पूरा बचपन गुजारा। एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, इसके लिए बोलता हूँ प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और शेयर भाई शेयर करना मत भूलना। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और हम लोग ये हमारे लिए नहीं बल्कि आपके लिए बनाते हैं, ताकि आप डेस्टिनेशन देखो और यहाँ पे आओ और आप भी एंजॉय कर सको। ये डोर लगता है नया बैठा है, फिर पुराना वाला ही है, उसको अच्छे से रिपेयर किया है। थोड़ी बारिश रहती ना तो और मज़ा आता था। तो राइट नाउ आई एम नियर कर्नाला फोर्ट। मेरे पीछे ये पूरा फोर्ट है, ऊपर तक तो नहीं चल सकते और अभी उतनी हालत भी नहीं है। वहाँ पे बैठा है तो दिखाई दे रहा है, थक गया वो काफ़ी। वो क्या, मैं भी थक गया हूँ, बहुत अंडर एस्टिमेट किया इस फोर्ट को, बट इसने पूरा का पूरा एग्ज़ाम ले लिया हमारा। खैर चलता है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ ट्रैवल यू नो। यहाँ पे पानी का टाकी है, यहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा हुआ है, और उस ज़माने में पीने वगैरह के लिए यही पानी का इस्तेमाल किया करते थे। सारे टाकी है यहाँ से लेके वो सब पानी की टाकी है। ये थोड़ा रेलिंग ढीला डाला हो गया, मतलब ये काफ़ी पुराना है, तो यहाँ से आओगे तो संभल के आना गाइस, क्योंकि इस पर अगर पैर गिरा या फिर यहाँ पे देखो तो सीधा नीचे गिर सकते हो। खूबसूरत टाइम लैप्स थे ना, और मेरे पीछे देखो ये ऊपर तक पूरा का पूरा माउंटेन, और ये सामने का नज़ारा, वहाँ के अपने टाइम लैप्स देखे अभी। ये साइड नॉर्थ है, ये साइड ईस्ट है, ये साइड वेस्ट है, इसमें जा रहा है वेस्ट की तरफ। ये सबसे बड़ी टाकी है, ये वाकई में सबसे बड़ी, और वो जो पिलर है यार क्या बनाए रहेंगे। कर्नाला फोर्ट के बैक साइड में विंड आ रही है यार यहाँ पे, माय गॉड क्या विंड है। खराब करना चाहता, जो नेचुरल चीज है वो नेचुरल चीज है। वहां पे फोर्ट का एंड है, मतलब वो फोर्ट वहां पे खत्म हो जाता है, उसके नीचे कुछ नहीं, डर के खाई है यहाँ रोड है यहाँ से वहां तक जाने का। क्या देख रहा है, ऐसा लग रहा है पिछले जन्म की याद आ गई, मैं यहाँ पे आया था। जो पिलर पे जो भी इतना बड़ा स्ट्रक्चर था पिलर पे खड़ा है, ये चारों जो टैंक है वो साइड भी टाके थे पानी के, और देखो यहाँ पे भी टाके है, मतलब ये जो है पूरा का पूरा माउंटेन एक पिलर पे है एक तरह से देखा जाए तो। टाइम टू से गुड बाय टू कर्नाला फोर्ट। मेरे पीछे आप देख रहे हो ये पूरा है कर्नाला फोर्ट, आप भी यहाँ पे विजिट कर सकते हो। मुंबई से हार्डली 60-70 किलोमीटर होगा, पनवेल यहाँ से बहुत नज़दीक है, 10 किलोमीटर के आसपास पनवेल है, और आप बाय व्हीकल आना चाहते हो तो आप व्हीकल भी यहाँ पे आ सकते हो। अगर आप बस या फिर कोई वोल्वो से आना चाहते हो तो गोवा हाईवे यहाँ से बहुत नज़दीक है, चढ़ने के लिए बस 2.5 घंटा लगता है, तो उतना आप ध्यान में रख लेना। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, और शेयर करने के लिए भूलिएगा नहीं। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में।
टिल देन राइड सेफ, टेक केयर एंड बाय।